पीपीपी के बाद आज शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल का कांग्रेस में होगा विलय। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर और शकील अहमद की मौजूदगी में किया जाएगा ऐलान। जर्मनी के एसन शहर के गुरुद्वारे में हुआ धमाका। जर्मन पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 लोग हुए घायल, 1 की हालत गंभीर। धमाके की आतंकी हमला होने की अभी तक नहीं हुई पुष्टि। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की जुबा पर आया जाट आंदोलन के हिंसक होने का दर्द। झज्जर में एक सभा में कहा, ऐसे तो दुश्मन का घर भी नहीं जलाते। आज फरीदाबाद के गांव एतमादपुर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास रैली, देंगे कई बड़ी सौगातें। नूह के चंदाका गांव में भी जनसभा को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। कश्मीर के हंदवाड़ा में तनाव बरकरार, कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू और सुरक्षा बल भेजने की तैयारी में केंद्र सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य सरकार को नाकाम बताया। चंडीगढ़ में अब आप नहीं कर सकेंगे पानी की बर्बादी, प्रशासन हुआ सख्त। गैर जरूरी चीजों के लिए हुई पानी की बर्बादी तो नगर निगम लगाएगा जुर्माना। और भीषण गर्मी की चपेट में पूरा देश, 14 राज्यों में पारा 40 के पार। पहाड़ों पर भी गर्मी ने दिखाए तेवर, अगले कुछ दिनों में राहत के आसार कम।